गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू मैथ्स क्लास 6 चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स पार्ट 15। सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। पिछले वीडियो में क्वाड्रिलेटरल्स और टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में जाने थे स्टूडेंट्स, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं। से ट्रू और फॉल्स, 6 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े थे स्टूडेंट्स, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री होता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये ट्रू है। द अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है स्टूडेंट्स, ट्रू होगा। द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वेयर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। स्क्वेयर का डायगोनल जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, ये भी ट्रू है। मीन्स कि स्क्वेयर का डायगोनल 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जैसे ए आपका ये स्क्वेयर है, स्क्वेयर का ये डायगोनल आप ड्रॉ करते हैं तो ए डायगोनल के बीच में जो एंगल बनता है जहाँ इंटरसेक्ट करता है ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये 490 डिग्री का एंगल्स बनता है। ये चारों जो ट्रायंगल होता है राइट ट्रायंगल होता है। डायगोनल से जो बना चार ट्रायंगल, ट्रायंगल 1, 2, 3, 4, ये सब ट्रायंगल राइट ट्रायंगल बनता है क्योंकि ये राइट एंगल बनता है। यहाँ पर रोम्बस का डायगोनल्स भी राइट एंगल पर बाइसेक्ट करता है। स्क्वायर भी रोम्बस है, ऑल स्क्वायर्स रोम्बस होता है। ऑल द साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये भी ट्रू है स्टूडेंट्स। रोम्बस का साइड्स इक्वल लेंथ का होता है। ऑल द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। पैरेललोग्राम का सारा साइड्स इक्वल होता है? नहीं, ओनली अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो दिस इज फॉल्स। पैरेललोग्राम का केवल अपोजिट साइड्स इक्वल होता है स्टूडेंट। जैसे देखिए ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, ऑल साइड्स इक्वल नहीं होता है, सो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट, द अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर पैरेलल। ट्रेपेजियम का अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। ये क्या है स्टूडेंट्स, अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल, ये फॉल्स है क्योंकि ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल। देखिए ये ट्रेपेजियम है तो केवल ये अपोजिट साइड तो पैरेलल है ये दोनों, लेकिन ये पैरेलल नहीं है, ये दोनों नॉन पैरेलल है। या इस टाइप का भी ट्रेपेजियम है, इसमें भी केवल एक ही पेयर पैरेलल है, दोनों पेयर पैरेलल नहीं है। तो अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर पैरेलल, ये फॉल्स होगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट नंबर देखिए, द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ, ये सही है गलत है? क्योंकि रेक्टेंगल, देखिए रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ का होता है, एडजेसेंट साइड नहीं होता। जैसे ये और ये एडजेसेंट साइड है तो ये दोनों इक्वल लेंथ का नहीं है, ये दोनों डिफरेंट लेंथ का है। और ये अपोजिट साइड इक्वल लेंथ का है, ये और ये अपोजिट साइड इक्वल लेंथ का है, तो ये क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। ऑल स्क्वेयर्स आर रोम्बसेज, ऑल स्क्वेयर्स रोम्बसेज होते हैं, ये ट्रू है स्टूडेंट्स क्योंकि रोम्बस का ऑल साइड्स इक्वल होता है, स्क्वेयर का भी ऑल साइड्स इक्वल होता है। रोम्बस का अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, स्क्वेयर का भी अपोजिट साइड पैरेलल होता है, तो ऑल स्क्वेयर्स आर रोम्बसेज, ये ट्रू है। बट ऑल रोम्बसेज नीड नॉट टू बी अ स्क्वेयर, सारा रोम्बस स्क्वेयर नहीं होगा लेकिन सारा स्क्वेयर को रोम्बस कह सकते हैं, सारा स्क्वेयर रोम्बस है, ये ट्रू है। ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, ये भी ट्रू है स्टूडेंट्स। ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के डेफिनेशन में सारा रेक्टेंगल आ जाता है क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, तो रेक्टेंगल का भी अपोजिट साइड्स आपका पैरेलल होता है, इसलिए ऑल रेक्टेंगल्स पैरेललोग्राम हो जाएगा। बट ऑल पैरेललोग्राम्स नीड नॉट टू बी अ रेक्टेंगल, लेकिन सारा पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होना कोई ज़रूरी नहीं है। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ऑल्सो रेक्टेंगल्स, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ऑल्सो रेक्टेंगल, ये फॉल्स हो गया क्योंकि सारा ऑल पैरेललोग्राम्स रेक्टेंगल नहीं होगा, ये फॉल्स हुआ, लेकिन ऑल रेक्टेंगल्स पैरेललोग्राम होगा, इसलिए इसके ऊपर वाला ये ट्रू हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। नंबर ए, अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रेक्टेंगल। इसका रीजन देना है कि स्क्वायर को स्पेशल रेक्टेंगल क्यों कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि अ रेक्टेंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज अ स्क्वायर। अगर रेक्टेंगल का ऑल साइड्स इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए स्क्वायर जो है एक स्पेशल रेक्टेंगल है, क्योंकि स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कह सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल का डिफिनीशन है अपोजिट साइड्स इक्वल होना चाहिए और ऑल एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ऑल एंगल इक्वल होना चाहिए। तो स्क्वायर का भी अपोजिट साइड इक्वल होता है, ऑल एंगल इक्वल होता है 90 डिग्री। तो रेक्टेंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज अ स्क्वायर, इसका रीजन ये है। नेक्स्ट, अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल को हम स्पेशल पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि अ पैरेललोग्राम विथ ईच एंगल अ राइट एंगल बिकम्स अ रेक्टेंगल। अगर पैरेललोग्राम का हर एंगल राइट एंगल हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो इसका रीजन है, अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रोम्बस। अब स्क्वायर को स्पेशल रोम्बस क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि अ रोम्बस विथ ईच एंगल अ राइट एंगल बिकम्स अ स्क्वायर। क्योंकि रोम्बस जो है, रोम्बस का अगर हर एंगल राइट एंगल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर हो जाएगा। राइट एंगल है तो स्क्वायर, तो क्योंकि ऑल स्क्वायर्स आपका रोम्बस होता है ना, तो रोम्बस स्क्वायर को आप स्पेशल रोम्बस कह सकते हैं। हर स्क्वायर रोम्बस है, हर रोम्बस स्क्वायर नहीं है। तो इसका रीजन यही है, रोम्बस विथ ईच एंगल अ राइट एंगल बिकम्स अ स्क्वायर। नेक्स्ट, स्क्वायर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम्स आर ऑल क्वाड्रिलेटरल्स। इसका रीजन क्या है कि सबको क्वाड्रिलेटरल क्यों कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल होता है फोर साइडेड पॉलीगन को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। जिस भी पॉलीगन का फोर साइड्स होता है उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो स्क्वायर में कितना साइड्स होता है, फोर साइड्स होता है। रेक्टेंगल में कितना साइड्स होता है, फोर साइड्स होता है। पैरेललोग्राम्स में भी कितना साइड्स होता है, फोर साइड्स होता है। सो ऑल दीज आर फोर साइडेड पॉलीगन्स मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स। स्क्वायर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम्स आर मेड अप ऑफ फोर लाइन सेगमेंट्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल्स। नेक्स्ट, स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। स्क्वायर को पैरेललोग्राम भी कहते हैं, क्यों, द अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर पैरेलल सो इट इज अ पैरेललोग्राम। क्योंकि स्क्वायर का भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, इसलिए स्क्वायर को पैरेललोग्राम भी कहते हैं। नेक्स्ट, अ पैरेललोग्राम कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल ट्रेपेजियम। पैरेललोग्राम को स्पेशल ट्रेपेजियम भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि अ ट्रेपेजियम इन विच पैरेलल साइड्स आर इक्वल बिकम्स अ पैरेललोग्राम। अगर ट्रेपेजियम का पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। ट्रेपेजियम जो होता है इस टाइप का होता है, अगर ये और ये पैरेलल साइड्स ये दोनों को इक्वल कर देंगे तो ये पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि इसका जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो भी पैरेलल हो जाएगा, अगर एक पेयर पैरेलल साइड्स का इक्वल हो जाएगा तो। नाउ वन मोर क्वेश्चन, अ फिगर इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। स्टूडेंट्स, रेगुलर फिगर के बारे में बताए थे। रेगुलर फिगर क्या होता है, अगर किसी भी फिगर का ऑल साइड्स इक्वल होता है, मतलब ऑल साइड्स का लेंथ इक्वल होता है और ऑल एंगल्स का मेजरमेंट इक्वल होता है, डिग्री मेजर सेम होता है, तो फिगर को हम बोलते हैं रेगुलर फिगर। तो क्या आप कोई रेगुलर क्वाड्रिलेटरल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसको पहले भी बताए थे स्टूडेंट्स कि स्क्वायर क्या है, एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर में कितना साइड्स होता है, फोर साइड्स, इसलिए क्वाड्रिलेटरल हुआ। और रेगुलर क्वाड्रिलेटरल क्यों हुआ, क्योंकि स्क्वायर का फोर साइड्स इक्वल होता है और फोर एंगल्स भी इक्वल होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है फोर एंगल्स। तो स्क्वायर इज अ रेगुलर
क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट, नेम द गिवन क्वाड्रिलेटरल्स। देखिए क्वाड्रिलेटरल्स यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, इसका स्पेशल नेम है, इसको दीजिएगा। देखिए ये फोर साइड्स है सब में, इसीलिए इसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ए ट्रेपेजियम है। ये क्या है? ट्रेपेजियम, क्योंकि वन पेयर इसका पैरेलल है। लेकिन एक बताए थे स्टूडेंट्स कि ट्रेपेजियम भी दो टाइप का होता है, जैसे ये भी ट्रेपेजियम है, इसमें भी एक पेयर पैरेलल है, इसलिए इसको भी ट्रेपेजियम कहते हैं। तो ये दोनों ट्रेपेजियम में क्या अंतर हुआ स्टूडेंट्स, इसका जो नॉन पैरेलल साइड है फर्स्ट वाला ट्रेपेजियम का, वो इक्वल है। देखिए ये और साइड और ये साइड नॉन पैरेलल साइड से ये इक्वल है, इसलिए ऐसे वाले को क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर टू साइड्स इक्वल होता है तो इसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो फर्स्ट हो गया आइसोसेलेस ट्रेपेजियम और सेकेंड सिंपली ट्रेपेजियम हुआ, क्योंकि इसका नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल नहीं है। आइसोसेलेस इसलिए क्योंकि ट्रायंगल में आप जानते हैं स्टूडेंट दो साइड्स अगर इक्वल होता है ट्रायंगल का तो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, और ट्रेपेजियम का अगर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है इसलिए इसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। और ये फिगर आप पहचानते होंगे स्टूडेंट्स, टू एडजेसेंट साइड इक्वल है, जैसे ये दोनों साइड इक्वल है और ये दोनों साइड इक्वल है, मतलब डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल है, इसको काइट बोलते हैं, और अपोजिट साइड्स नॉन इक्वल होता है। और ये चारों साइड इक्वल है स्टूडेंट्स, अपोजिट साइड्स में पैरेलल है, इसलिए क्या हो गया, रोम्बस हो गया। आज के लिए इतना है स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे जिसमें पॉलीगन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और यदि YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।